हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि शटरिंग मटेरियल यानी कि बाइंडिंग वायर्स, नेल्स जो शटरिंग में यूज होते हैं और जो हमारा शटरिंग ऑयल यूज होता है उसकी एस्टिमेशन हम कैसे करें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। साइट में एग्जीक्यूशन मतलब जब आप शटरिंग का काम करवाते हो उससे पहले ये मटेरियल्स आपको साइट पे अवेलेबल कराना होता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसकी एग्जैक्ट कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये बेस्ड होता है थंब रूल पे। एंड दोस्तों, विद द हेल्प ऑफ दीज थंब रूल्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप बहुत आसानी से ना 2 मिनट में अपने शटरिंग मटेरियल यानी कि शटरिंग ऑयल, नेल्स एंड बाइंडिंग वायर की क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हो। और ये आपको एग्जीक्यूशन से पहले भी काम आएगा, और जब आप एस्टिमेशन करते हो कि आपका कितना वहाँ पे कंजप्शन हुआ, डैट टाइम भी आपको ये फॉर्मूलाज बहुत हेल्प करेंगे। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करो, इससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट हमेशा से पहले मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो दोस्तों, नेल्स की क्वांटिटी, बाइंडिंग वायर की क्वांटिटी और शटरिंग ऑयल की क्वांटिटी निकालने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगा कि आपका जो गिवन स्ट्रक्चर है उसका एरिया कितना है। एज एन एग्जांपल यहाँ पे मैं स्लैब ले लेता हूँ, लेकिन आपका जो भी होगा आप वहाँ पे उसका एरिया निकाल लेना है ये एग्जाम्पल देख के। फिर आपका अगर कॉलम है तो आप कॉलम का एरिया निकालोगे, अगर आप ड्रेन के वॉल के लिए कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आप वो भी निकाल लोगे। सिर्फ आपको ये पता करना है कि आपका जो स्ट्रक्चर है, गिवन स्ट्रक्चर जो भी है, उसका एरिया कितना है, मतलब लेंथ कितना है और ब्रेथ कितना है। और सबसे पहले आपको अपने स्ट्रक्चर का, गिवन स्ट्रक्चर का एरिया निकाल देना है नेल्स, बाइंडिंग वायर और शटरिंग ऑयल की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो एज एन एग्जांपल यहाँ पे हम लोग स्लैब ले रहे हैं, स्लैब की यहाँ पे लेंथ है 6 मीटर और ब्रेथ है 5 मीटर। अब सबसे पहले तो हमें एरिया निकालना होगा, तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो जब आप लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देते हो तो लेंथ हमारे पास था 6 मीटर, ब्रेथ था हमारे पास 5 मीटर्स, एंड जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हो तो यू विल गेट 30 मीटर स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सबसे पहले आपको अपने गिवन स्ट्रक्चर का एरिया फाइंड करना है, हमें एरिया मिल रहा है 30 मीटर स्क्वायर। अब सबसे पहले हम लोग शटरिंग ऑयल की क्वांटिटी देखते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इन तीनों की जब क्वांटिटी कैलकुलेट करने की बारी आती है ना, तो आपको थंब रूल यूज़ करना होगा, क्योंकि कोई भी स्पेसिफाइड फॉर्मूला नहीं है कि जहाँ पे आपको 0-0 में एग्जैक्ट क्वांटिटी निकल कर मिल जाए, आपको थंब रूल का ही इस्तेमाल करना होगा। सो यहाँ पे जो थंब रूल है फॉर शटरिंग ऑयल वो है 0.065 इंटू टोटल एरिया ऑफ स्लैब। में यहाँ पे एज एन एग्जांपल स्लैब ले रहा हूँ, अगर आपका कॉलम होगा तो आप वहाँ पे कॉलम का टोटल एरिया निकाल लोगे। तो यहाँ पे 0.065 करना है इंटू मल्टीप्लाई करना है स्लैब के एरिया से, स्लैब का एरिया था हमारा 30। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 0.065 इंटू 30, तो जो रिजल्ट आपके सामने आएगा वो लीटर्स में आ जाएगा, मतलब उतना लीटर आपको शटरिंग ऑयल ज़रूरत पड़ने वाला है। तो देखते हैं कितना आता है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 0.065 इंटू 30, तो आपको मिलने वाला है 1.95 लीटर। मतलब अगर 30 मीटर स्क्वायर एरिया का अगर आपका स्लैब है तो वहाँ पे आपकी शटरिंग ऑयल की कंजप्शन कितनी होने वाली है, 1.95 लीटर। आपको पता होगा कि चाहे आप एमएस प्लेट यूज़ करो या फिर आप प्लाई जो शटरिंग यूज़ करते हो, प्लाई वाली वो यूज़ करो, शटरिंग लगाने से पहले प्रॉपरली आपको वहाँ पे शटरिंग ऑयल प्लेस करना होता है। और जैसा मैंने फॉर्मूला के हिसाब से बोला, अगर 30 मीटर स्क्वायर का आपका स्लैब है, मतलब 30 मीटर स्क्वायर स्लैब की एरिया है, तो आपको वहाँ पे 1.95 लीटर्स शटरिंग ऑयल की कंजप्शन होने वाली है। तो ये तो हो गया शटरिंग ऑयल। सो गाइज, अब हम लोग दूसरा अपना जो पॉइंट था उसके कैलकुलेट करते हैं, मतलब कि बाइंडिंग वायर का कैलकुलेशन कैसे करना है। तो बाइंडिंग वायर का जो कैलकुलेशन है वो है 75 ग्राम पर 1 मीटर स्क्वायर। मतलब कि जो भी आपका स्ट्रक्चर होगा तो 1 मीटर स्क्वायर में आपका 75 ग्राम बाइंडिंग वायर कंज्यूम होने वाला है। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 75 है, हमारा जो स्लैब था उसका जो एरिया था वो 30 मीटर स्क्वायर था, तो हमें सिर्फ क्या करना है, 30 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 75 है, तो 30 मीटर स्क्वायर के लिए कितना होगा, तो 30 × 75 ग्राम। जब उसको मल्टीप्लाई कर देते हो तो यू विल गेट 2250 ग्राम्स। एंड अभी तो ये ग्राम में है, आप इसको केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। केजी में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली उसको क्या करना है, 1000 से डिवाइड कर देना है। तो जब आप 2250 को 1000 से डिवाइड कर देते हो तो वो चेंज हो जाएगा केजी में, एंड आपको जो रिजल्ट मिलने वाला वो ये मिलेगा 2.25 kg। मतलब 30 मीटर स्क्वायर का अगर आपका स्लैब है तो वहाँ पे जो आपका बाइंडिंग वायर कंज्यूम होने वाला है वो होगा अराउंड 2.25 kg।
सो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपना तीसरा मटेरियल यानी कि नेल्स की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करोगे। तो नेल्स के लिए जो हमारा थंब रूल है वो है 75 ग्राम पर 1 मीटर स्क्वायर ऑफ शटरिंग, मतलब 1 मीटर स्क्वायर अगर आप शटरिंग करते हो तो वहाँ पे आपका जो नेल का खपत होने वाला है, कंजप्शन होने वाला है, वो होने वाला है 75 ग्राम। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 75 था, हमारा जो एरिया है वो 30 मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 75, तो 30 के लिए कितना होगा? सिंपली 75 को आपको 30 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप 75 को 30 से मल्टीप्लाई करते हो तो देन यू विल गेट 2250 ग्राम्स। अब हमें ग्राम में मिल रहा है, हमें इसे चाहिए कि हमारा जो रिजल्ट है फाइनल रिजल्ट वो केजी में है। तो आपका जो रिजल्ट आया है उसको सिर्फ आपको क्या करना है, 1000 से डिवाइड कर देना है। तो व्हेन यू डिवाइड 2250 विद 1000 यू विल गेट 2.25 केजी। मतलब ये कि अगर आपका स्लैब का एरिया 30 मीटर स्क्वायर है तो वहां पे जो नेल का कंजप्शन होने वाला है शटरिंग पर्पस के लिए वो होगा 2.25 केजी। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वांटिटी कैलकुलेशन वाली वीडियो थी वो एंड होती है। मैंने तीन मटेरियल चूज़ किए थे, शटरिंग ऑयल, बाइंडिंग वायर और नेल, और उस पर मैंने आपको बताया कि आप इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे। फर्दर अगर किसी और मटेरियल के लिए आपको कैलकुलेशन जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और दोस्तों इसका इस्तेमाल एज एन साइट इंजीनियर के लिए बहुत ज़्यादा ही होता है, क्योंकि वर्क शुरू करने से पहले भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आप शटरिंग करवा रहे हो तो शटरिंग ऑयल कितना लगने वाला है, बाइंडिंग वायर कितना लगेगा, और उसी हिसाब से आप अपने साइट पर इन सारी चीज़ों को मंगवाओगे। क्योंकि आपको ये काम शुरू करने से पहले अपने मटेरियल्स को सबसे पहले मंगवा लेना है, और जब आप बिलिंग करते हो डैट टाइम भी आपको क्वांटिटी चाहिए होती है कि मेरा कंजप्शन कितना हुआ है, शटरिंग ऑयल का कंजप्शन क्या रहा है, बाइंडिंग वायर का कंजप्शन क्या रहा है, नेल्स का क्या रहा है। तो आप इस कैलकुलेशन की हेल्प से आप उसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। अदरवाइज दोस्तों अगर इस कंटेंट से, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है या कोई और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। अदरवाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर भी करो। थैंक यू।